हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं ये देखना है हमें। तो मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे को जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कैसे होते हैं, उनके अंदर या तो आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में या फिर कह दें तो टेबल के फॉर्म में देते हैं या फिर सर्कल के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, या फिर आपको जो क्वेश्चंस दिखाई देते हैं वो किस में दिखाई देते हैं, ओपन चार्ट, जैसे कि वाई बना दिया आपका, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो दिखाई देते हैं वो सारे के सारे हमारे मिसिंग नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मिसिंग नंबर के अंदर क्या करना है, वो ही हमें घटाना है, जोड़ना है, भाग देना है, गुना करना है, ये सारे काम हमें इसके अंदर करने पड़ते हैं। जितनी ट्रिक हमने नंबर सीरीज के अंदर सीखी थी, जैसे कि ऐड करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, स्क्वेयर करना, स्क्वेयर के अंदर कुछ प्लस करना, स्क्वेयर के अंदर से कुछ माइनस करना, तो ये सारा काम हमें यहाँ पर भी करना है। अब पहली बात अगर करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो भैया इस वाली लाइन को जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको देखो पहले, तो इसको, इस लाइन को अगर हम ऐसे लेके जाते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, रॉ कह देते हैं। और जब ये लाइन हमारी ऐसे नीचे की तरफ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स होती है हमारी किस तरीके से काम करती है, रो और कॉलम के अंदर काम करती है। अब रो और कॉलम के अंदर काम करती है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है, ये रो वन हो गई, इसको हमने क्या कहा है यहाँ पर, इसको कहा है हमने रो वन। फिर ये हमारी हो गई रो टू, ऐसे ही ये हमारी रो थ्री, ये हमारी रो फोर। तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कितनी रोज हैं, चार रोज हैं। ठीक है, अब अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, तो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम वन हो गया, ये हमारा कॉलम टू हो गया और ये हमारा कॉलम थ्री हो गया। सबको पता है इतना। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होती है हमारी उसके अंदर जो क्वेश्चन दिया जाता है वो हमारा रो इंटू कॉलम्स के अंदर दिया जाता है, यानी कि रो इंटू में कॉलम्स के अंदर। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको इसके अंदर रिजल्ट कहाँ पर देगा, या तो वो आपको कॉलम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा या फिर वो रोज के अंदर। मैं अगर यहाँ पे कहूँ इस चीज़ का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं कहता हूँ कि अगर जो एग्जामिनर है उसने क्या किया है, यहाँ पर 16+15 कर दिया और मैंने मान लिया कि यहाँ पर कितना आ गया रिजल्ट, ये आ गया था 21 दिया हुआ था, इसका मतलब है कि यहाँ पर किस बेसिस पे कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कॉलम वन को ऐड किया है हमने, ठीक है, कॉलम वन का, रो वन का, ठीक है, इसको ऐड किया इसमें, तो हमारा थर्ड कॉलम के अंदर क्या आ गया है, आंसर आ गया है, थर्ड कॉलम के अंदर आंसर आ गया है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पर इस तरीके से ना होकर इसको कैसे मल्टीप्लाई या प्लस कर दिया है, मैंने कहा 6+8+3 और आंसर आ गया हमारा 8 3 11 और 6 17, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट दे देंगे या तो 17, तो आपको कैसे प्लस करने पड़ गए, अब ये सारे के सारे हमें कॉलम्स के अंदर प्लस करने पड़ गए, यानी कि यहाँ पर जितनी रो, कितनी रोज यूज़ हुई है, रो वन यूज़ हुई है, रो टू भी यूज़ हुई है, रो थ्री भी यूज़ हुई है और रो फोर के अंदर हमारे को क्या दे दिया, इसका रिजल्ट दे दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर हमें कहाँ पे देता है। दूसरी बात की बात करें तो दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना होता है कि अगर हमारे पास जितनी ये डिजिट्स दी गई हैं, क्या ये डिजिट्स हमारी सेम कैटेगरी की हैं, मतलब कि उनके अंदर कितना अंतर है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो ये नंबर्स लिए गए हैं ये नंबर्स हमारे कैसे हैं, छोटे नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखा एकदम से नंबर बढ़ गया है, इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही अगली बार क्या कर सकता है वो, आपको रिजल्ट यहाँ पर दे दी 51। ठीक है, तो वो हमें पहले देखना होता है कि हमारे नंबर्स किस अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, किस अकॉर्डिंग हमारे नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब समस्या क्या है कि आपको लगता होगा मैं नीचे देख के पढ़ाता हूँ और मेरा ध्यान मेरी खुद की इमेज के ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब इस पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखोगे
यहाँ पर लिखा है 6, फिर लिखा है 15 और फिर उसके बाद लिखा है 20। अगर हम इस पेयर के अंदर अगर ऐसे जाएं तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 20 आ रहा है। अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है हमारा वो ये सीरीज में ये वाला कॉलम तो है नहीं, ठीक है, ये वाला कॉलम तो हमारा रिजल्ट है नहीं बिल्कुल भी। तो हमने क्या करा, हमने करके देखा इसको इस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या है कि ये रिजल्ट हमें पता चल गया कि ये वाले रिजल्ट की लाइन है हमारी, ऐसे ही इसके अंदर ये भी होगी और इसके अंदर अगर हमें ये फाइंड करनी है तो ये हमारी रिजल्ट वाली लाइन हो गई। अब हमें इसके अंदर ऑपरेशंस लगाने हैं, ऑपरेशंस जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 51 लिखा हुआ है तो 51 के पास पहुँचने का सबसे आसान तरीका क्या है, 51 के पास पहुँचने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर मैं 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 6 को अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 48 आ गया, और इस 48 में अगर मैंने 3 जोड़ दिए तो ये कितना बन गया, 51 बन गया। तो हमारा रिजल्ट आया 51, ठीक है। सेम इसके अंदर करके देखना है, इस कॉलम के अंदर अगर मैं 15 के साथ 4 को क्या कर दूं, गुना कर दूं तो ये बनेगा 60। अब इस 60 के अंदर क्या जुड़ आ रहा है ये मुझसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे प्लस, यानी कि ये हो गए हमारे 5, 65, ठीक है, रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें थर्ड कॉलम के अंदर भी काम करना है, इसी तरीके से हमें थर्ड कॉलम के अंदर भी काम करना है। अब देखोगे 20 × 5 प्लस में 20, यानी कि अगर 20 × 5 की बात करूं तो ये हो गए 100, और उसके बाद हमारे को कितने ऐड करने हैं, 20 ऐड करने हैं, तो ये हो गए हमारे 120। तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, बी ऑप्शन हो गया आंसर। सबको क्लियर है इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या है, हमें रिजल्ट कहाँ पर दे दिया, अब इसके अंदर रिजल्ट हमारा दोबारा से यहीं पर ही दिया गया है शायद, देखते हैं करके कि किस तरीके से दिया गया है। अगर मैं इस 18 और 12 को जोड़ूं, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो रिजल्ट 36 है। अगर मैं इस 11 और 13 को जोड़ता हूँ तो रिजल्ट कितना आना चाहिए था, ज़्यादा 24 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 4 आया है। तो मैं इसको घटाकर इसके अंदर कुछ प्लस भी करूँगा या फिर इनको जोड़कर मैं कुछ प्लस करूँगा, जब भी मेरा 36 या 4 तो आने से रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 18 में से इस 12 को घटाया, ठीक है, 18 में से 12 को घटाया, मेरे पास कितना आ गया, अब 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 36 दिख रहा है। अगर मैं 6 का स्क्वेयर कर दूँ तो मुझे 36 मिल जाएगा इसके अंदर, क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही इसके अंदर करके देखते हैं, हो गए सर कि यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 11 था, 13 था, तो इसको माइनस कैसे करेंगे, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 − 13 कर दो। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो तो −2 आएगा, लेकिन −2 का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो माइनस तो कट गया हमारा, इसका मतलब यहाँ पे 4 आया, 4 हमारे पास बिल्कुल आया। तो यही ऑपरेशन अब हमें थर्ड के साथ लगाना है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 19, और 19 के बाद हमने करना है 16 को इसमें से माइनस, तो यहाँ पर आ गया 3। अब 3 का स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, मैंने कहा 3 का स्क्वेयर किया तो मेरे को आंसर मिल गया इतना 9 का। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे इन मैट्रिक्स के अंदर या सर्कल के अंदर दिए जाते हैं उनके अंदर हमें जैसे हमने नंबर सीरीज के अंदर ऑपरेशंस लगाए थे वैसे ही ऑपरेशन इनके अंदर भी लगाने होते हैं, क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड करें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखोगे तो देखो ये डिजिट्स हमारी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये और ये एंड ये सारी डिजिट्स हमारी छोटी छोटी हैं, लेकिन ये डिजिट बड़ी है, ये भी बड़ी है, और ये उससे भी ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब है कि रिजल्ट हमारा अब कहाँ पर दे दिया है, हमारा अब इस साइड यहाँ पर प्रेजेंट है रिजल्ट, हर किसी का रिजल्ट दे दिया। तो रिजल्ट से पहले जो नंबर जुड़ना था, घटना था, मल्टीप्लाई होना था, डिवाइड होना था, स्क्वेयर होना था, माइनस होना था, जो काम होना था उसको अब हमें फाइंड करना है। अगर मैं इसके पास सबसे पहले प्लस का ही ऑपरेशन लगाता हूँ, 3 + 4 प्लस में 9, तो 9 × 4 = 13, 3 = 16, अरे वाह 16 बन गया। 5 + 6 प्लस में 25, 25 × 5 = 30, + 6 = 36, 36 बन गया। 7 + 8
अगर मैंने कहा 7 + 8 + में एक्स, तो ये आएगा हमारा 64। अब ये बताओ, ये हो गए हमारे 15, ये हमारे एक्स बाबू हैं और यहाँ पर हमारा 64 है, तो अब क्या आंसर बनना चाहिए। अब हमने क्या किया, एक्स में से 64 में से 15 को माइनस कर दिया, 64 में से 15 को माइनस कर दिया। जैसे ही हम 64 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 में से 5 गए, तो क्या बचे, 9, और 5 में से 1 गया तो आ गया हमारे पास एक्स हमारा 49। एक्स आ गया हमारा 49। सबको क्लियर है ये बात, आगे चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भैया यहाँ पर 268 है, यहाँ पर 29 है, और 29 के नीचे वाले में रिजल्ट ढूंढना है, तो ऑपरेशन या तो लगने वाला है इसके ऊपर या होने वाला है इसका। अब मैंने क्या किया, 268 को उठाया, ठीक है, अगर यहाँ पर ये 29 है तो या तो ये स्क्वेयर करवा रहा है या फिर किसी का हाफ करवा रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं 268 में से अगर मैं 210 निकाल देता हूँ तो ये कितने आ गए, 58। तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे 68, इसको देखो यहाँ पे 10 को 58, और 58 का आधा कितना होता है, ये हो गए हमारे 29 बाबू, ये कितने हो गए 29। ऐसे ही अगर मैं 218 में से 166 निकाल दूँ तो ये बचे 2, और 11 में से 6 गए 5, 52, यानी कि 52 का आधा कितना हो गया, 26। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा फोर्थ का सी, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर फोर्थ का सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी सेम यही काम करना है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी सेम यही काम करना है। अब देखते हैं चलो इसको। अब 13, 9, 24, 11 क्वेश्चन मार्क और 6, फिर आया 16, 20, 10। अब क्या करें इसके अंदर, अगर 13 के भी 19 का और इसका, तो अब ये देख डिसाइड करेंगे हम कि या तो नीचे आंसर है हमारा या फिर ऊपर आंसर है, ठीक है। अगर मैं 13 + 11 कर दूं तो कितने बन गए, 24 बन गए, लेकिन यहाँ तो 16 है। अगर मैंने 13 में से 11 निकाले तो ये कितना रिजल्ट आता है, 2 का ही आता है, लेकिन यहाँ तो फिर से 16 है, तो हमें करना क्या है सोचो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ आंसर आके नहीं देता है, यहाँ पर अगर मैं कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ तो आके नहीं दे रहा है, तो क्यों ना हम इनका सम करके देख लें, क्योंकि सम भी पूछ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 13 + 11 + इसको 16 कर लिया तो ये बन गए मेरे 24 और 16 40, ठीक है। फिर आगे चले, यहाँ पे 11 + x, नहीं, ये हो गया हमारा 9 + x + 20, तो ये हमारा आना चाहिए था 29। अब 29 आ गया, यानी कि यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर आएगा 11, भैया 29 इसमें प्लस करोगे तो ये दोबारा से 40 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको करके देखो, 24 + 6 + 10, अब यहाँ पर 24 6 30 10 40, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आ गया, 11 आ गया। तो फिफ्थ का आंसर हमारा क्या हो गया, 11 हो गया, फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारा, 11 हो गया। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि भैया हमें दिया है, एक सेकेंड कहाँ पे गया, सिक्स्थ के अंदर हमारे पास है 85 25। अगर यहाँ पे 85 बन रहा है, अगर मैं 20 × 100 कर दूँ, 20 × 5 ये हो गए 100, ठीक है, 15 कम है। अगर मैं 15 का जुगाड़ लगाकर देखूं तो यहाँ पे 15 का जुगाड़ कैसे बनेगा, अगर मैंने यहाँ 100 में से अगर मेरे को 15 माइनस करनी है तो ये 15 कैसे बनाऊं, अगर 15 का मेरे पास कोई तरीका आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 20 - 5 कर देता हूँ, अगर मैं इसी को दोबारा से माइनस कर दूँ मल्टीप्लाई करने के बाद तो 15 बन जाएगा। तो ये 100 में से जब 15 गए तो 85 आए, वही 85 हमारे कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं 24 × मैं 6 कर दूं तो 6 × 4 = 24, 2 × 6 = 12, 13 × 14 144 आ गया। अब 24 में से 6 गए 18, अब 18 इसमें से माइनस करें हम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14 में से 8 गए 6, 2 और 1 126, ठीक है। ऐसे ही अब मेरे पास क्या आया है,
अब मेरे पास आ गया यहाँ पर x इंटू में 7। हमने क्या लिया, इसको ले लिया x। अब मैं क्या करता हूँ, 7 इंटू में x, भैया पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे। अब इसमें से हमें माइनस करना है, x ही माइनस करना है, x माइनस 7, ठीक है। अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा होना चाहिए 175। अब यहाँ पर 175 ये रिजल्ट होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर 7x, फिर यहाँ पर माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना आ गया, +7। अब ये माइनस प्लस बना देगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा 175 ये आ गया, तो ये बन गया 6x, और 175 में से 7 गए तो कितने बचे, 168। अब 6 से डिवाइड करें इसको, तो 6 1 जा 6 2 जा 12, तो यहाँ पे बच गए 4, तो 48 कितने पे होता है, 6 8 जा 48 पर, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 48। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 28, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 28। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी का 28। तो सिक्स क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि हमें अगर एक्स अगर बीच में कोई डिजिट है और उसको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया है 4 5 1 2 5 6 7 8, तो सबका रिजल्ट नीचे की तरफ हो रहा है, सबका रिजल्ट हमारा नीचे की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये डिजिट भी हमारी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, और यहाँ पर ये डिजिट भी बड़ी आएगी। अगर 4 5 जा 20 करें हम, और 26 जा तो 120 होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। स्क्वेयर करें, 16 प्लस में 25 प्लस में, तो ये कितना हो गया, 6 5 11 2 3 31, तो यही हो गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्टी सिक्स, एक मिनट, 6 का स्क्वेयर माइनस, अगर 6 का स्क्वेयर प्लस में, 5 का स्क्वेयर माइनस में, 4 का स्क्वेयर, तो 36 प्लस में 25 माइनस में 16, 36 प्लस में 25 माइनस में 16, 16 यानी कि 20। भैया इस 36 में से 16 गए 20, और ये आ गए 25, ये आ गया हमारा आंसर 45। तो इसके लिए 45 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हर डिजिट का यानी कि 81 माइनस में, नहीं 81 प्लस में 6 माइनस में 25, इसका कर लोगे। ऐसे ही यहाँ पर 6 का स्क्वेयर प्लस में 7 का स्क्वेयर माइनस में 1 का स्क्वेयर, अब इसका कर ले, 4 का स्क्वेयर प्लस में 6 का स्क्वेयर माइनस में 2 का स्क्वेयर, तो 16 प्लस में 36 माइनस में 4। अब 4 इसमें से माइनस कर लो या इसमें से माइनस कर लो, 8 आया, ठीक है, और ये कितना हो गया, 3 1 48, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। देखो कैसे हुआ, 16 में से 4 गए तो 12 थे, अब 12 को 36 में जोड़ दिए तो 48 आ गया हमारा, तो इस सेवन्थ का आंसर हो गया हमारा बी। अब ऐसे ही हमारे सामने 8th क्वेश्चन है। अब इस 8th के अंदर क्या है, देखो हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अलग अलग लॉजिक्स आ रहे हैं, लॉजिक्स हमारे अलग अलग आ रहे हैं, तो इन्हीं लॉजिक्स को आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर, नंबर सीरीज के अंदर भी, क्योंकि यही लॉजिक हमारे लगते हैं नंबर सीरीज के अंदर भी। अगर आप नंबर सीरीज के ही लॉजिक यहाँ पर लगा रहे हो और यहाँ के लॉजिक नंबर सीरीज, क्योंकि इनका काम देखो सारा का सारा काम हमारा किन पे हो रहा है, नंबर्स पे हो रहा है, तो ये ऑपरेशन आप यहाँ यूज कर लो, चाहे फिर आप इनको नंबर सीरीज के अंदर कर लो, कहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भाई 4 प्लस 6 इजिकल टू 10, 2 प्लस 1 इजिकल टू 3, और 5 प्लस में 8 इजिकल टू 13, क्या 13 आंसर है, नहीं। कितनी खुशी मिली थी कि फटाक देसी क्वेश्चन हो गया, लेकिन खुशी हमारी बर्दाश्त नहीं हुई। फोर का स्क्वेयर माइनस सिक्स, 2 का स्क्वेयर माइनस 1, 16 माइनस 6 10,
टू का स्क्वायर माइनस वन यानी कि फोर माइनस वन हमारा थ्री। अगर मैं फाइव का स्क्वायर माइनस एट करूं, 25 में से 8 गए तो बताना कितने आए। 25 में से अगर 8 चले जाते हैं 17, तो आंसर हो गया हमारा इसका 17। क्या किया इसने, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया और उसको माइनस करा 6 से, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया माइनस किया 1, यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया और माइनस किया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 5, 8, 14, 9, 6, 21 और 7, 2 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इसके अंदर 14 बनाना है हमें, 8, 5, 13 होते हैं अगर प्लस 1 कर दें तो ठीक है, 9, 6, 15 होते हैं प्लस 1 कर दें तो 16 ही आए, लेकिन 21 तो जब भी नहीं आया, तो ये हमारा लॉजिक लगा नहीं। अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इसको 25, 25 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो हमारा कितने बन रहे थे, 17 बन रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे तो 14 है। तो इसके अंदर भैया क्या करोगे, 8 का स्क्वेयर, या एक काम करें कुछ और मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसके अंदर। अगर 5 अगर मैं इसे 10 मान लूं, ये 10 हो गया, 10 और इसका हाफ कर दूं तो 14 बन सकता है। अगर मैंने इसको 9 को कितना मान लिया, डबल कर दिया इसका 18, और यहाँ पर इसको मैंने हाफ कर दिया 3, 18 ती है सॉरी 18 और 3 21, ऐसे ही 7 का डबल कर दूं 14, और यहाँ पर इसका आधा कर दूं 1, तो 15 आना चाहिए था, या 15 ऑप्शन में है। तो भैया इसके अंदर हो क्या रहा है, देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, 5 को क्या किया है, डबल किया है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, प्लस में 8/2 किया है, यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाता है हमारा 14। ऐसे ही 9 को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 6 को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 9 दुनिया 18 3 21। ठीक है, ऐसे ही 7 को हमने डबल किया और जो हमारा 2 था उसको हाफ कर दिया, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 7 दून 14 और 1 15, तो 9th का आंसर हो गया हमारा 15। 9th का आंसर कितना हो गया हमारा 15। ऐसे हमारे पास कितने क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर हमें अलग अलग क्या लगाने पड़ेंगे, टंटे लगाने पड़ेंगे भैया। अब 10वां क्वेश्चन देखो, तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5, 9, 15 या तो ऊपर की तरफ जाएगा, 147 उस तरफ है, यानी कि इसके आंसर हमारे को नीचे की तरफ ही मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर भी दिक्कत है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कुछ ऐड करूं तो बात बन सकती है मेरी, सोचो सोचो। अगर मैं इसके अंदर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ऐड करूं तो क्या बात बन सकती है, क्योंकि मुझे ये देखो ये डिजिट फाइंड करनी है। अगर मैंने 5 × 3 इसको लिख लिया 15, 15 में कर दिया एक ऐड 16, अब ये 16 हमारे को यहाँ रिजल्ट मिल गया। अब इस 16 के साथ इसने क्या किया, 16 × 3 48, और इस 48 में क्या कर दिया है प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 49। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही इस क्वेश्चन 9 के अंदर 9 × में दोबारा से कितना करा होगा, 327, और इसके अंदर कितने ऐड कर दिए इसने, 9 3 जा 27, 27 हो गए, प्लस में कितने कर दिए 2 कर दिए, तो ये कितना पहुंच गया 29। तो अगर मैं 15 के अंदर 3 करूं, 15 3 45, और उसके अंदर 3 जोड़ दूं, तो हाँ आंसर आना चाहिए था मेरा 48, आंसर आना चाहिए था मेरा 48। तो अगर मैं यहाँ पर 48 लिख लेता हूँ एक बार, और इस 48 को क्या करूँ, इस 48 को
मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और उसके बाद इसमें प्लस कर दूं कितना, 3। तो 3 8 जै 24, 2 3 4 जै 12, 144 प्लस 3 147, 147 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? आ रहा है समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करो। देखो देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और पहली रो पहला कॉलम था तो इन्होंने क्या ऐड कर दिया, उसके अंदर कर दिया कितना, अब जो 15 आएगा उसके अंदर ऐड कर दिया इन्होंने +1। ठीक है, ऐसे ही ये रिजल्ट बन गया हमारा। यहाँ पर लिख दिया इस रिजल्ट को, इस वाले रिजल्ट को यहाँ पर लिख दिया, और उसके साथ वही कहानी दोहराई है कि 16 × 3 कितने होते हैं, 48, और इसी 48 के अंदर क्या जोड़ दिया इन्होंने, 1, तो ये कितना बन गया, 49। अब आपसे इस सेकंड रो के अंदर भी यही करना है, सेकंड कॉलम है तो इसके अंदर आपको +2 करना था, इसके अंदर +1 किया, थर्ड कॉलम है तो इसके अंदर आपसे +3 करवा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो डिजिट आपके सामने लिखी है 8 13 10 7 12 9 और 10 15, 10 15 12। अब इन डिजिट्स के अंदर मुझे ये बताओ कि रिजल्ट वाली साइड कौन सी है और वैसी साइड कौन सी है, रिजल्ट वाली साइड कौन सी है। अगर मैंने यहाँ पर 11वें क्वेश्चन के लिए 8 13 10 अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो ये तो कैसे भी नहीं बनती। अगर 8 + 2, 8 + 2 कर दूं, 10 आ गए, और इस 10 के अंदर +3 कर दें तो ये कितने हो गए, 13। 8 + 2 बराबर होते हैं 10 हमारे, यानी कि कॉलम नंबर ए प्लस में कॉलम नंबर सी को ऐड कर दिया तो नहीं, कॉलम नंबर ए के अंदर अगर हमने +2 ऐड कर दिया तो कॉलम नंबर सी की डिजिट आ गई। अब इस कॉलम नंबर सी के अंदर अगर हमने +3 कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, बी कॉलम आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें 7 के साथ करना है, 7 में अगर +2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, 7 + 2 तो ये आ गया रिजल्ट हमारे पास। अब इसके अंदर कितना जोड़ दें, +3 कर दें, अब 9 + 3 यानी कि 9 3 12, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, और 12 के अंदर 3 जोड़ देंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन हो गया, 11th का ऑप्शन हो गया बी। भैया बड़े मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, हमें भी याद नहीं रहते क्योंकि हम भी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं इनकी। अब लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, अब आपको करना है क्वालिफाई एग्ज़ाम। ठीक है, 5 6 7 8 सारे के सारे नंबर एक सीरीज के अंदर हैं, लेकिन क्या नीचे वाली लाइन के अंदर भी एक सीरीज के अंदर है नंबर? तो आप कहोगे नहीं सर, नीचे वाली सीरीज के अंदर सारे नंबर नहीं है सीरीज के अंदर। ठीक है, 5 का अगर डबल देखें तो 10 होता है, मान ली बात, लेकिन अगर 5 का डबल देखें तो 10, या फिर एक काम करें, देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे जो ये 10 है इसको डिवाइड किया है किससे, 5 से, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, इसको आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। अब यहाँ पर 10 + 10 से 5 को भाग दिया तो ये आ गया हमारा 2। अब इस 2 को हमें किसके अंदर जोड़ना है, 5 के अंदर जोड़ना है, इस 5 के अंदर, इस 5 के अंदर इस 2 को जोड़ना है, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 7। ऐसे ही करके देखते हैं हम, अगर सेकंड कॉलम के अंदर तो हमने क्या किया था, 18 को किससे किया था, 6 से, तो 6 × 1 = 6। अब 3 के अंदर हमें क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो ये आ गया 9। क्या यहाँ पे 9 आया है, बिल्कुल आ गया, तो
तो इसी तरीके से अब हमें 24 को भाग देना है किससे, 8 से, तो ये आ जाएगा 3, और 3 के अंदर कितने जोड़ने हैं, ये वाले 8, तो ये आ गया हमारा 11 आंसर। इसका कितना आ गया, 11 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। हमने क्या किया यहाँ पर भैया, ये हमारा मेन रिजल्ट था, ठीक है। इस 10 को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है पहले, इस 10 को डिवाइड किया है पहले किससे, 5 से, तो हमारे पास आया 2। और इस 2 को हमने किसके अंदर जोड़ दिया, पहले कॉलम की पहली वैल्यू के अंदर, यानी कि 5 के अंदर। ऐसे ही हमने 18 के साथ किया, 18 को भाग दिया 6 से, और उस 6 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन आया था वो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था, 12th का ए।